हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास ये वीवो का Y16 फ़ोन आया है, जो कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो Y16। फ्रेंड, इसमें जो प्रॉब्लम है वो FRP लॉक का प्रॉब्लम है। इसको किसी ने इसे हार्ड रीसेट किया हुआ है, तो उसके बाद जो इसमें ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक का सिम्बल आपको देखने को मिल रहा होगा, साइड में लॉक का सिम्बल। तो फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले सेटअप करके दिखा देता हूँ जहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वाईफाई जो है वो उसे कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद डॉन्ट कॉपी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको वेरीफाई पिन मांग रहा है। तो वेरीफाई पिन याद नहीं है तो यहाँ पे आप यूज़ माई गूगल अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वेरीफाई ईमेल मांग रहा है। तो फिर ईमेल आईडी तो याद नहीं है, तो फिर इसे हम लोग कैसे बाईपास करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो फिर क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें वॉल्यूम अप और डाउन बटन है दोनों को एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो आपका टॉलबैक है वो ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग को वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपका जो टॉलबैक है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको उल्टा एल स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे यूज़ वॉइस कमांड में डबल क्लिक करना है और यहाँ पर बोलना है आपको ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग। तो फिर ऐसे बोलेंगे आपका जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। क्या करना है फ्रेंड, यहाँ से हम लोग को टॉलबैक जो है इसे ऑफ़ कर लेना है। फिर से हम लोग करते हैं यहाँ पे ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग, फ्रेंड आपका जो सेटिंग है वो ओपन हो चुका है। तो क्या करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन से टॉलबैक इसे बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड मेरा जो टॉलबैक है वो बंद हो चुका है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इसका मॉडल नंबर वो दिखा देता हूँ, इसका मॉडल नंबर है वीवो Y16, देख सकते हैं यहाँ पे। करने के बाद यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे आपको चल जाना है यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। जाने के बाद यहाँ पर आपको इस टच पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपका जो है यहाँ पर ये सर्कल देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईजी टच सेटिंग का ऑप्शन वो भी देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो भी यही पेज आपका ओपन होगा। तो फ्रेंड क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज मेन्यू पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लिक टू ऐड का ऑप्शन भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो क्या करते हैं फिर यहाँ से हम लोग को सिंपली बैक हो जाना है। फिर से हम लोग यहाँ पर जो है ईजी टच पर क्लिक करेंगे, फिर से कस्टमर सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ईदी शेयर है जो है उसे क्लिक करना है। तो क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग बैक होते हैं। बैक होने के बाद ईदी शेयर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से सिंपली हम लोग को बैक हो जाना है। बैक यहाँ पर आपको ईदी शेयर आ गया है, तो यहाँ से बैक होना है और यहाँ से आपको ईदी शेयर जो है उसे ओपन करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो ईदी शेयर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, एग्री पर क्लिक करते हैं। फिर क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर दूसरा फ़ोन आपको लेना है और दूसरा फ्रेंड लेने के बाद यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन इसमें चाहिए आपको, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा, एक ईजी शेयर और एक एक्टिविटी लॉन्चर। तो आपको दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पे इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे फ़ोन कॉल ऑन का ऑप्शन अपने को देखने को मिल जाएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ से इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद फिर से बैक करते हैं, फिर से बैक करते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और एक सिस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोन कॉल ऑन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी क्लिक करके आप ये कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पे उसे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ ए न्यू डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे, गोइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ परमिशन आपको दे देना है इसका, तो यहाँ पर आपका स्कैनर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ईजी शेयर और एक्टिविटी लॉन्चर आपको दोनों देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ईजी शेयर पे हम लोग क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ोन कॉलोन पे क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओल्ड डिवाइस ओके सेट, जो जो परमिशन यहाँ पे आपको मांगेगा सब परमिशन इन्हें दे देना है। और यहाँ पे देख सकते फिर ऊपर में येलो कलर का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उससे हम लोग ऑफ़ करना है। तो डाटा ऑफ़ करेंगे वो आपको ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फ़ोन से हम लोग को स्कैन करना है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये मेरा स्कैन हो चुका है, देख सकते फोन मेरा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड मेरा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे ऐप्स में हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे, सबको अनटिक करके यहाँ पे ऐप्स में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर को ओके टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे ओके करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पिन मांगेगा, तो यहाँ पे मैं अपना पिन, फ़ोन का जो पिन है वो डाल देता हूँ। फिर स्टार्टिंग कॉलोइंग उस पर क्लिक करना है, और मेरा जो एप्लीकेशन है वो सेंड हो चुका है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डन, यहाँ पे डन, सिंपली यहाँ से हम लोग को बैक करते हैं, इसे हटा देना है। और यहाँ पे जो है फ्रेंड मेरा जो एप्लीकेशन है वो हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग पे नीचे ऑप्शन इजी टच सेटिंग का ऑप्शन पे उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे कस्टमाइज मेनू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड क्लिक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर को टिक कर लेना है। फ्रेंड टिक करने के बाद यहाँ से सिंपली हम लोग को स्लाइड करना है, यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक करना है। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। फिर अभी जितना भी फ़ोन आ रहा है वीवो का, उसमें आपको अपडेट का प्रॉब्लम चलते हैं, ये एक्टिविटी लेंस ठीक से वर्क नहीं करता। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है। तो क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे एंड्रॉइड सेटअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग का और लॉक का सिंबल, दोनों देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उस पे हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो फिर आपको ऐसा स्टार्टिंग पे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ से फिर से हम लोग एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक करते हैं, फिर से नीचे हम लोग स्लाइड करते हैं, नीचे में जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे। तो सकते हैं फिर यहाँ पर आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, फिर से हम लोग को एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक करना है, तो उसके बाद वाला पे क्लिक करना है फिर से। तो फ्रेंड आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। फिर अगर उस पर भी नहीं होगा आपको तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, वेट करने के बाद ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। फिर से हम लोग को एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड हम लोग फिर से नीचे नहीं है कुछ, फिर से ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद फ्रेंड फिर से उस पर जो फर्स्ट पर हम लोग क्लिक किए थे, फिर से उस पर हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिनिश का ऑप्शन ऐसे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको यूज़ माय गूगल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई योर डिवाइस। तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर दूसरे फ़ोन में हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम लोग को बोलना है सेटअप माय डिवाइस, ये गूगल वॉइस पे सेटअप माय डिवाइस बोलने के बाद फिर आपको ऐसा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो सर्चिंग फॉर डिवाइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा, फिर कनेक्ट होगा, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। तो फिर मेरा जो फ़ोन है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है, तो क्या करना है यहाँ पे फिर से हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर कॉपी पे क्लिक करना है। तो फिर थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, और यहाँ पे जो पिन है वो मैं डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड इसका जो अकाउंट है वो इसमें कॉपी हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को इसमें टाइम लगेगा। तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। करने के बाद यहाँ पर आपको कॉपी अनदर वे ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। करने के बाद थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, फिर यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को जो स्क्रीन लॉक है वो डाल देना है। डालने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको सबको अनटिक कर देना है, एक एक करके सबको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद सिर्फ यहाँ पे डिवाइस सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डिवाइस सेटिंग पे क्लिक करके और रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और वेट करते हैं यहाँ पे। ये जो है थोड़ा सा कॉपी हो रहा है इसमें, सकते फ्रेंड यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है और फिर से स्किप पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है, नो थैंक्स पे क्लिक करना है, अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो FRP जो इसका है वो बाईपास हो चुका है। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको जो इसका मॉडल नंबर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं फ्रेंड मेरा जो FRP है वो बाईपास हो चुका है। फिर से मैं स्लाइड करके इसका जो है मॉडल नंबर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और इसमें जो अकाउंट लगा हुआ है आपको गूगल अकाउंट, उसे आपको रिमूव कर देना है। मैं पहले आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। रिमूव करने के बाद फ्रेंड मैं आपको फ़ोन को जो है वो रीस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड मेरा जो फ़ोन है वो बाईपास हो चुका है FRP। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।